हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, शेप एंड साइज, नंबर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट माइक्रोफिलामेंट एंड ग्रेन्यूनल जेनेंस लाइक स्ट्रक्चर है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया एंड मैमल्स की मेच्योर आरबीसी सेल में अब्सेंट होती है। इसकी डेफिनेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन मोस्ट यूकेरोटिक ऑर्गेनिज्म। सम सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाउएवर लैक देम, फॉर एग्जाम्पल आरबीसी एंड मेच्योर मेमिलियन एंड आल्सो कॉल्ड अ पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। इसमें हिस्ट्री, सन 1950 में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तथा इन्हें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नेम प्रोवाइड किया। 1882 में फ्लेमिंग ने इन्हें फिला नेम दिया। शेप एंड साइज, माइटोकॉन्ड्रिया प्राय फिलामेंट ग्रेन्यूलर एंड रोड शेप्ड के होते हैं। ये कप वेस्क्यूलर एंड रिंग शेप्ड के होते हैं। अधिकांश सेल में इनका व्यास 0.5 एंड 1.0 म्यू तथा लंबाई 3 to 10 माइक्रोन्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप एंड साइज की बात करें तो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होती है। पॉइंट है नंबर, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरियस डिफरेंट सेल प्रोटोजोन्स। एनिमल अमीबा में इनकी संख्या 5 लाख तक होती है, बट स्पर्म सेल में इनकी संख्या 20 to 24 तक होती है। चूहे की लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1000 to 2500 तक होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन बॉर्डर स्ट्रक्चर होती है जिसे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया के निम्न पार्ट शो होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है जिसमें मैट्रिक्स दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रहा है, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर। माइटोकॉन्ड्रिया का एक लोब अलग से भी दिखाया गया है इसमें। मेम्ब्रेन, द वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। फर्स्ट है इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इट मेक आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है। इसकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। चैम्बर, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। फर्स्ट है आउटर चैम्बर, यह चैम्बर माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के मिडल में प्रेजेंट होती है। इसकी मोटाई 60 to 80 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें एक थिन लेयर फ्यूल्ड भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अनेक कोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनर चैम्बर, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई कैविटी है जो सघन द्रव्य द्वारा भरी रहती है। इस फील्ड को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। यह जेल के सिमिलर सब्सटेंस है, इसमें महीन तंतु भी होते हैं। 7th पॉइंट है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, निम्न फंक्शन होते हैं। रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए सेल में स्पेशल एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन की स्थित ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया गतिज ऊर्जा में चेंज कर देता है। यह एनर्जी सेल के डिफरेंट वर्क को कंप्लीट करती है। सिक्रेशन, हॉर्निंग के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इनका रोटेशन जाइमोजन ग्रेन्यूल्स से होता है जिनके द्वारा सिंथेटिक एंड लाइटिक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, वुथन एंड बेंसले के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न सेल के एक्स्ट्रा फैट स्टोर रहते हैं। स्पर्म के मिडल पार्ट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया एक माइटोकॉन्ड्रल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट इसका रेफरेंस बुक जूलॉजी बाय वीके तिवारी, लाइफ साइंस बुक बाय उषा मीना और प्रणव कुमार। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।